इंतजार किया कि हमारी कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्रियल पैकेज आ रहा है जिसके तहत हमारा जो है ये जो बेरोजगारी की दर है कुछ कम होगी, जो पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है पिछले 75 सालों में। हम कौन सा 75वां महोत्सव मना रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की जो है अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आ गई। हमें बड़ा फख्र है कि हम इस देश के वासी हैं, हमें बड़ा फख्र है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। लेकिन मैं समझता हूं 2014 से पहले और 2014 के बाद का हिंदुस्तान में जमीन और आसमान का फर्क है। आज आपको देखने को मिलेगा कि पूरे कैनवास के ऊपर, पॉलिटिकल कैनवास जो है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर देखें, इस पूरी सरजमीन हिंद के ऊपर अगर कोई लीडर सच्चाई की बात कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा है, जो एजुकेशन की बात कर रहा है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो गरीबों को सहूलियत की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी सूरत में मैच नहीं कर पा रही। आज देखो हालत यह बन गई है कि आज वो इतने बुखला गए हैं गुजरात के अंदर कि आज वो हमारे कैंडिडेटों का अपहरण करने पे आ गए हैं, और जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया। तो मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें जो आज सामने आज नजर आ रही हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इस फैसले के बाद, जैसे ही ये 15 दिन का नोटिस जो फाइनल है, और उसके बाद मुझे लगता नहीं है क्योंकि सारे नोटिस सर्व हो चुके हैं। हमारी जो बातें हो रही हैं वो कह रहे हैं जहां सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, जहां हालात डिस्टर्ब्ड हैं, यहां पे हर शोभा जो है स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, तो वहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर सेफ नहीं समझते अपने आप को। ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स का माहौल है इसके कारण बाहर से इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज जाने में डर रहे हैं। ये ऐसा एक कंड्यूसिव एटमोसफेयर बनाना पड़ेगा अगर आपने बाहर से इन्वेस्टर्स को लाना है। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें होम मिनिस्टर साहब स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ दौरा ना करें, बैठें, दो दिन बैठें और पूरी तरह से समीक्षा करें सिक्योरिटी की, और खासतौर पर जिन बच्चों को हम जोर लगा के वहां पर भेज रहे हैं जो हमारे पीएम पैकेज के हैं, पीएम पैकेज के तहत रिलीफ दी गई थी, उनको थोड़ा सा सहूलियत दी गई थी, ना कि उनको ये कहा गया था कि आपको मौत के मुंह में भेज दिया जाएगा। वो जाने को तैयार है, अगर माहौल ठीक हो वो जाने को तैयार है। रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो आज कितने